तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन अमेजिंग वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होंगे। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली वेबसाइट है उसका नाम है cleanpng.com। इस वेबसाइट पर आते ही आपको इस वेबसाइट पर क्या मिलता है मैं बताता हूँ। इस वेबसाइट पर आपको फ्री एंड फुल PNG इमेजेस मिल जाएंगे, जितने आपको PNG इमेजेस चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाके सर्च करूँ ट्रीज़ और सर्च करूं, तो यहाँ पर जो है मुझे ट्रीज़ की पूरी ट्रांसपेरेंट यानी कि PNG इमेजेस मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हमारी जो इस लिस्ट में दूसरी साइट है उसका नाम है ऑटोमेटिक मील प्लानर। अब ऑटोमेटिक मील प्लानर में क्या होगा कि आप जो है अपने मील को प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कंसिडर अमाउंट की कैलोरी चाहिए एक दिन में। मान लीजिए कि मुझे 2000 कैलोरी चाहिए एक दिन में। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं वेजिटेरियन खाऊं या मैं कुछ भी खाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन खाना चाहूँगा, अगर मैं नॉन वेज भी हूँ तो मैं दोनों खाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फूड खाना है, किस टाइप का। तो एक्चुअली मैं एक वेजिटेरियन, तो मैं वेजिटेरियन सिलेक्ट करूँगा और कितने जो है मुझे कैलोरी चाहिए एक दिन में वो मैं सिलेक्ट करूँगा। तो मैं जो है 2000 कैलोरीज टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर वो कैलोरीज में तो मुझे कितने मील्स में चाहिए, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो 3 मील्स ही लेते हैं, मैं यहाँ पे 3 मील सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं जेनरेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो है एक जो है प्लान, डाइट प्लान जो है जेनरेट हो जाएगा कि मुझे कब क्या खाना है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और यहाँ पर देखिए सब फूड्स के नाम बता दिए कि कितने अमाउंट में आपको कितना फूड लेना है। जब आप इस पर होवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी फैट्स हैं, कितने कार्ब्स हैं और आपको कितने अमाउंट में लेना है। और ये जो है टोटल जो है कैलोरीज मुझे 2006 कैलोरीज देगा अगर मैं पूरे दिन इसे खाऊंगा, तो अगर इस डाइट को फॉलो करूंगा तो एक बहुत अच्छी साइट है अगर आपको अपने डाइट को प्लान करना हो तो। अब यहाँ पर जो तीसरी साइट है उसका नाम है unsplash.com। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक यूट्यूबर नहीं भी हैं और आपको जो है कॉपीराइट फ्री इमेजेस का यूज करना है, आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप unsplash.com पे जा सकते हैं और unsplash.com पे आपको हाई रेजोल्यूशन फ्री इमेजेस मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पर लैपटॉप, तो यहाँ पर मुझे लैपटॉप की बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ये दूसरे साइट्स की तरह नहीं है कि आपको जो है बहुत कम इमेजेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको भर भर के इमेजेस मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं सर्च करूँ फेसबुक, तो यहाँ पर मुझे फेसबुक की इमेजेस में मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप इस बटन से क्या कर सकते हैं कि किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो है आप उसी के तरह एक सिमिलर इमेज को पा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं अगर एक इमेज को सिलेक्ट कर लूँ, अगर मेरे पास कोई इमेज हो तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो मैं इसके सिमिलर ही एक इमेज पा लूँगा। मतलब कि बहुत सारे इमेजेस आपको दिखाई देंगी, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इसके सिमिलर इमेजेस दिखाई दे रही हैं, देखिए। तो आप जो है सिमिलर इमेजेस को फाइंड कर सकते हैं और ये जो है बिल्कुल ही फ्री इमेजेस हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आई थिंक आपको इन साइट्स का यूजफुलनेस पता चल गया होगा और एक नॉर्मल यूजर भी इन साइट्स पर अच्छी तरह जा सकता है और अपने इमेजेस को सर्च कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब। और अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।